और आप यहाँ पर अगर ड्यूटी करते हो तो ड्यूटी अच्छा से निभाओ। आपको भी हम लोग इज्जत देते हैं, आपको भी हम लोग सम्मान देते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा किसी का पैर हाथ हड्डी टूट जाता है, इसका लेटरिन बाथरूम खत्म हो गया, इसका सारा चीज लुटा गया, छीना गया, कहीं अब लेटरिन रूम भी नहीं कर सकता है, खाना भी नहीं बना सकता है, रह भी नहीं सकता, पुस्तक भी जला दिया, फिर रहेगा कैसे, कैसे रहेगा? आप लोग बताइए। अरे चीज आप आयु है ना, देखो इसको ठीक से लगाइए, ठीक से क्या करेगा, मजबूरी गरीब गुरबार का लड़का लोग आता है यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए, आप लोग को तो तकलीफ लगता है ना कि झरखंडी बच्चा आगे पढ़ लिख के बाहर चला जाए, आगे उन्नति करेगा, डेवलप करेगा, समाज में आगे बढ़ेगा। सुनो ड्रामा मत कीजिए, रात में आपको फोन किया था, किस वजह से बात कर रही, कोई गवर्नर है क्या? सुनो सुनो, ज्यादा होशियार बनने का कोशिश मत करो, नहीं तो यही बंधन बना देंगे, समझ रहे हैं? ऐसे तो आपको चाहता है कि यहाँ का लड़का लोग पहले बदमाश बन जाए, जंगल में चला जाए, फिर छापामारी करने आप लोग जाइए। देखिए जैसा आपने कहा कि छात्रावास में जो तोड़फोड़ की घटना हुई है उसके लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, अगर आपको थोड़ी और कार्रवाई की आवश्यकता है, अगर किसी प्रकार की शिकायत है तो हमारे एसएसपी रांची हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, डीजीपी हैं, अगर शिकायत है तो आप वरीय पदाधिकारी के पास जा सकते हैं, यह तरीका है, आपकी सरकार है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत कर सकते हैं कि यह थाना प्रभारी का कार्य ठीक नहीं है, लेकिन यह कहना कि आपको बंधक बना लेंगे, अगर रंग चढ़ गया तो रंग चढ़ा देंगे, रांची को पागल कर देंगे, यह भाषा जो है कहीं ना कहीं एकदम से पुलिस कर्मी होने के नाते मैं कहता हूं कि यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, किसी को बंधक बनाने की धमकी देना यह अपराध की श्रेणी में आता है, तो विधायक जी का यह आचरण पुलिस एसोसिएशन के नज़र में निंदनीय है और चिंतनीय भी है। चिंतनीय इसलिए है कि आप माननीय हैं, माननीय को अपने आचरण को भी माननीय बनाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सारे लोग आदर करें, हम माननीय विधायक जी हैं, तो माननीय विधायक जी का व्यवहार भी सार्वजनिक रूप से आचरण योग ऐसा हो कि उससे जनता सीख मिले, अगर आप ही बोलेंगे कि हम बंधक बना लेंगे तो आपके कार्यकर्ता तो लाठी डंडा चलाने लगेंगे, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बहुत जगह जो है पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला हो जाता है, पीटा जाता है उनको, तो झारखंड पुलिस एसोसिएशन का स्पष्ट मानना है कि हम अपने सदस्यों के मान सम्मान के लिए जहां तक होगा हम जाएंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपके माध्यम से यह मांग करेंगे कि वैसे विधायक जो पहली बार विधानसभा में गए हैं उन्हें आचरण की मर्यादा की शिक्षा दी जाए, पुलिसकर्मियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है इसकी शिक्षा दी जाए, और एक बात मैं और आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी कहना चाहूँगा कि कानून के नज़र में सारे लोग समान होते हैं, चाहे विधायक हों या आम आदमी हों, और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि विधायकों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, उनके गिरफ्तारी के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से अनुमति की आवश्यकता है, तो यदि अपने वो इस तरह के आचरण करेंगे जिससे पुलिसकर्मियों का मनोबल टूटेगा तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी अपना जो कानूनी अधिकार है उसका उपयोग करेंगे, इससे क्या होगा कि विधि व्यवस्था प्रभावित होती है। अक्षर जी अब ये तो क्रिया प्रतिक्रिया की बात हुई, बुधवार को जिस तरह घटना घटी छात्रों से हम लोगों ने बात की, 9:30-10 बजे की बात थी, और उन्होंने संख्या जो लमसम बताया वो करीबन 250 कुछ किसी ने बताया 150 की संख्या थी, तो दिन दहाड़े इस तरह की वारदात होती है, और जब स्थानीय थाना प्रभारी को फोन किया जाता है छात्रों के द्वारा वो कहते हैं कि ये नाटक मत करो तुम लोग, तो ये कहीं ना कहीं कोऑपरेशन नहीं था। मैं बता रहा हूँ हो सकता है कि उनको पूरी घटना की जानकारी नहीं हो कि वहाँ घटना क्या हुई है, लेकिन जो हम लोगों की जानकारी है कि जैसे ही पता चला कि कहीं तोड़फोड़ हो रहा है तुरंत VCR भेजा गया, अब इसके बाद FIR करके उनके विरुद्ध छापामारी जारी है, लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब अचानक अब किसी हो सकता है तीसरे जगह बैठे हों जहाँ कोई और काम कर रहे हों, ऐसा नहीं है कि थाना प्रभारी आराम से बैठे हुए हैं AC रूम में और नहीं जा रहे, ऐसी बातें नहीं होती हैं, सारे थाना प्रभारी दिन रात सड़कों पर लगे हुए हैं, होली का समय है, विधानसभा चल रहा है, चेकिंग कराया जाता है, तो यदि व्यस्तता में कहीं अगर वो बोलती हैं कि आप जो है लिखित दीजिए तो उस पर नहीं भड़कना चाहिए, और मैं एक पूर्व में भी मैं कहा कि माननीय विधायक जी को इसकी शिकायत हमारे SSP रांची को करनी चाहिए थी, IG साहब को पास करनी चाहिए थी, ठीक है वो शिवा शिकायत की बात ठीक है रक्षाराम जी, हम ये कहना चाह रहे हैं 48 घंटे से ज्यादा का वक्फा गुजर चुका है, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होना, ये तो कहीं ना क्वेश्चन रेस तो करेगा, ये नहीं नहीं वो तो प्रश्न होना ही चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, मैं इसका नहीं कहता हूँ कि गिरफ्तारी नहीं पुलिस करेगी, लेकिन जब कोई घटना हो जाती है तो सारे लोग छुप जाते हैं,
पुलिस एक और हमारी मर्यादा है ना कि जैसे ही प्राथमिकी दर्ज की जाती है वरीय पदाधिकारी जब तक पर्यवेक्षण टिप्पणी सुपरविजन नोट नहीं देंगे अरेस्टिंग का आदेश नहीं देंगे तो अनावश्यक रूप से किसी को गिरफ्तार करके पुलिस नहीं भेज सकती है। न्यायालय में साक्ष्य ज्ञाप देना पड़ता है, मेमो ऑफ एविडेंस जिसको बोलते हैं, कि भाई आप जिसको जेल भेज रहे हैं उसके विरुद्ध आपके पास क्या साक्ष्य है। तो हमारी मजबूरी है कि आपने प्राथमिकी दर्ज कर दिया, वह व्यक्ति दोषी है कि नहीं है, उसके विरुद्ध कितना साक्ष्य है, ये सारे इकट्ठा करके डायरी लिख करके तब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। एक सवाल ये भी उठ रहा है ना कि कल विधायकों ने भी ये कहा, जनप्रतिनिधियों ने भी कहा कि ये आपराधिक कृत्य है और इसको पुलिस जो है सिविल कृत्य के तौर पर ट्रीट कर रही है, इसको आपराधिक कृत्य के तौर पर तत्कालिक कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी लापरवाही हुई है। देखिए मैं जो FIR का जो सेक्शन हमने जो मांग किया कि क्या क्या धारा में केस हुआ था, थाना प्रभारी से हमारी बात हुई है, उसमें जो है 447-48 लगा हुआ है, 379 लगा हुआ है, जो चोरी का सेक्शन है, रंगदारी का सेक्शन है, मारपीट का सेक्शन है, दंगा करने का सेक्शन है। तो पुलिस ने अपना काम किया है, प्राथमिकी दर्ज किया है और अभी जो जानकारी मिली है कि पिछले 2 दिनों से जब से घटना घटी है एक टीम बना करके छापेमारी की जा रही है, वहाँ छात्रावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन इसके लिए दबाव बनाने के लिए धर्ज खो देना ये कहीं से उचित नहीं है। ये तो आप मानेंगे ना, क्योंकि राजधानी रांची में मुख्यमंत्री रहते हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री रहते हैं और वहां पर दिन दहाड़े अगर इस तरह की वारदात होगी तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेस लॉ एंड ऑर्डर पर उठेंगे और ये कहीं ना कहीं आप लोगों पर ये बात आएगी। देखिए ये तो मैं कह रहा हूँ कि यह बहुत ही चिंतनीय घटना है, अचानक कहीं से कोई हमला हो जाए, खासकर विद्यार्थियों पर हो जाए, इसकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो घटना घटी है कम घटी है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो घटना घटी है उसके लिए पुलिस अपने स्तर से जितनी क्षमता है, जितना प्रयास होना चाहिए वो कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। अब है कि एक प्रक्रिया के तहत होती है कितने लोग दोषी हैं, कितने लोग, ऐसा नहीं है कि घटना करके वो घर में बैठे हैं और पुलिस देख रही है कुछ नहीं कर रही है। तो जैसे ही वो मिलेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा और ये निश्चित रूप से ये घटना निंदनीय है। पुलिस कर्मियों को यह हमेशा कहा जाता है कि छात्रों को, महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा देना चाहिए और वो पुलिस कर रही है। रांची पुलिस को इस मामले में संवेदनशील है। ये अच्छा राम जी, हम लोगों ने नोटिस किया है, जो डे वन से हम इस चीज़ को देख रहे हैं, ऑब्जर्व भी किया है, अगर पहले दिन इतनी तत्परता होती तो ये हमको लगता है इतना जनप्रतिनिधियों को पहुंचना और इतना मामला दूसरे तरफ नहीं जाता। ये देखिए आप जिस तरफ जहां ले जा रहे हैं, मेरा कहना है कि इस घटना का हम लोग भर्त्सना कर रहे हैं उनके भाषा का। अगर मान लीजिए कि हम विधि व्यवस्था को संधारण करने के लिए या किसी न्यायिक प्रक्रिया को देखने के लिए मेरी प्रतिनियुक्ति है तो हम निश्चित रूप से काम करेंगे। हम लोगों का कहना है कि अगर हमारे थाना प्रभारी की तरफ से अगर कहीं लापरवाही बरती गई, सुखदेव नगर पुलिस के द्वारा कोई लापरवाही बरती गई, तो इसकी संज्ञान लाना चाहिए वरीय पदाधिकारी को, न कि हमारे माननीय विधायक जी को सार्वजनिक रूप से एक महिला थाना प्रभारी के अलावा जो भी पुलिसकर्मी हैं आज के डेट में विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए जाते हैं तो उनका एक पहला कर्तव्य होता है कि आम जन का अमन चैन कायम रहे। वैसे स्थिति में किसी को टारगेट करके और उनके माने क्या बोलते हैं उनके व्यक्तिगत उनके आलोचना लगाकर ये कह के टारगेट करना कि आपको बंधक बना लेते, या एक महिला थाना प्रभारी को कहना कि होली का रंग चढ़ गया है, ये सारी जो बातें हैं ये हम लोगों के झारखंड पुलिस के संज्ञान में आने के बाद हम लोगों को बहुत यह नगवार गुजरा है। इसी क्रम में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने विधानसभा अध्यक्ष से और राज्य के तमाम पुलिस पदाधिकारी जो हमारे आला अधिकारी बैठे हैं उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस तरह का जो बर्दाश्त हो रहा है आए दिन, इस पर अंकुश लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी संज्ञान लें और संज्ञान लेते हुए ऐसा एक विधि व्यवस्था संधारण करने में पुलिस की परेशानी न हो, उसको अपना मर्यादा नहीं खोना पड़े, काम करते हुए उसको जो है किसी तरह का मोरल टच नहीं हो, इस पर जो है सो संज्ञान लेना चाहिए। इसी के उद्देश्य से आज हम लोग आज का बैठक किए हैं। तो आपने सुना किस जिस तरह से छात्रावास में वारदात हुई और उसके बाद जनप्रतिनिधियों की तरफ से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल पुलिस को कहीं ना कहीं लापरवाही के आरोप में टारगेट किया गया, उसके बाद पुलिस एसोसिएशन के लोग भी उनके पक्ष में खड़े हुए। ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का विषय है और राजधानी रांची की सुरक्षा को मुस्तैद करना, पुख्ता करना, उसे और मजबूत करना तमाम लोगों की जिम्मेदारी है और खासकर पुलिस प्रशासन के लोगों की जिम्मेदारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप को छोड़ करके जो एक्चुअल में जो लोग इसके आरोप
आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे लाया जाएगा, और सुरक्षा जो छात्रों की होनी चाहिए उसको कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश होगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 स्कोप के लिए।